तो जब से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है, तब से हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब इस कंट्रोवर्सी में मुंबई इंडियंस के एक आला अधिकारी की सफाई भी आ चुकी है। तो क्या कुछ कहा है मुंबई इंडियंस के इस आला अधिकारी ने, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताएंगे कि ऑक्शन में क्या हुआ। 19 दिसंबर को ऑक्शन था और ऑक्शन में एक फैंस ने मुंबई इंडियंस के ऑनर यानी कि जो मालिक हैं आकाश अंबानी, उनसे रोहित शर्मा को लेकर जब सवाल पूछा कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से खेलेंगे या रोहित शर्मा जो है वो किसी और टीम के साथ जुड़ेंगे, तो इस पर आकाश अंबानी ने कहा कि रोहित शर्मा आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से ही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये साफ हो चुका है कि फिलहाल जो रोहित शर्मा है वो किसी और टीम की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो ट्रेड होने नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस के एक आला अधिकारी की तरफ से एक सफाई भी जारी कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि भाई जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, उनको गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लाया गया था और उनको कप्तान बनाने से पहले हमने सभी जो खिलाड़ी हैं उनसे उनकी राय ली थी, हमने पूछा था कि हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने जा रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही बता दे। तो सबकी सहमति से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। इनफैक्ट रोहित शर्मा से भी पूछा गया था कि हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वहां पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने से रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए यहां पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। अगर रोहित शर्मा कहते कि भाई नहीं मैं ही कप्तान रहूंगा, आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएंगे तो फिर मैं नहीं खेलूंगा, तो उस वक्त ये फैसला हो जाता कि रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया तो रोहित शर्मा की सहमति थी। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस के एक आला अधिकारी की तरफ से ये मतलब सफाई आ चुकी है। हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया गया तो उनका जो कहना है वो ये है कि भाई हमने सभी खिलाड़ियों से राय ले ली थी और रोहित शर्मा से भी राय ले ली थी, तो रोहित शर्मा की सहमति से ही हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। अगर फैंस को ये लग रहा है कि हमने रोहित के साथ जाती की है, हमने रोहित के साथ गलत किया है क्योंकि उन्होंने 5 ट्रॉफी जिताई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने में रोहित शर्मा की सहमति थी और उनकी सहमति से ही हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। उनके साथ कोई धोखा नहीं किया गया है, उनके साथ कोई गलत नहीं किया गया है। और अगर ऐसा लग रहा है तो अभी ट्रेड विंडो ओपन है, वो किसी भी टीम में जा सकते हैं, वो ट्रेड हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आकाश अंबानी ने ये कहा है कि रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस से ही बैटिंग करने वाले हैं, दोस्तों इससे साफ होता है कि भाई रोहित शर्मा जो है आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस से ही खेलेंगे, वो किसी और टीम में नहीं जाएंगे। हालांकि जो ट्रेड विंडो है वो यानी कि जब आईपीएल शुरू होगा उससे 1 महीने पहले तक ओपन रहेगा, तो हो सकता है कि भाई उस दौरान आपके रोहित का मन बदले और वो किसी और टीम के साथ देखे। लेकिन फिलहाल जो दोस्तों खबर है वो यही है कि रोहित शर्मा अभी किसी और टीम के साथ जुड़ने का मन नहीं बना रहे हैं।